तो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूं वैशाली, आपकी करंट अफेयर्स मेंटर। वेलकम टू अड्डा 24/7। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑफ टुडे। आज का सेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए यहां पर यूजफुल रहने वाला है, बिकॉज टुडे वी विल बी कवरिंग द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड देयर एक्सप्लेनेशन पार्ट, राइट। तो ये जो सेशन है ये आपके सीयूटी, यूजी और पीजी दोनों एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू कि आप एक बार सेशन को फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड लाइक कर देना सेशन को, राइट। सो थॉट ऑफ द इवनिंग सेज द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन इज ऑफन फाउंड विद इन आवर ओन माइंड्स। अक्सर क्या होता है कि हम जो मोटिवेशन होता है हम बाहर ढूंढते रहते हैं, कोई ऐसा हो जो हमें मोटिवेट कर दे हमारे एग्जामिनेशन के लिए, राइट। सो एज यू ऑल नो कि दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, एक इंट्रेंसिक मोटिवेशन और एक एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, आप बाहर से जितने मोटिवेशन आते हैं वो हमारे एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है, और जो इंट्रेंसिक है वो हमारे अंदर से आता है। बाहर के मोटिवेशन बहुत दिन तक हम नहीं यूजफुल रहते हैं, बहुत दिन तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, एक टाइम पे सब थक जाते हैं। लेकिन अंदर का जो मोटिवेशन होता है वो आपको बहुत आगे तक ले जाता है और उसको आप यूज करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट। सो इसी थॉट के साथ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अंदर से मोटिवेशन लाना ही होगा, कंसिस्टेंट तो रहना ही होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी थॉट प्रोसेस के साथ। एज यू ऑल नो कि समर्थ बैच हमारे यूजी एस्पायरेंट्स के लिए यहाँ पे लॉन्च हुई है। सो इफ यू आर नॉट एनरोल्ड इन दिस बैच, और अगर आपको आप चाहते हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, सो यू कैन गो एंड एनरोल दिस बैच। यूज कोड Y455 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और दक्ष बैच हमारे सीयूटी पीजी एस्पायरेंट्स के लिए। तो जो भी आपको परचेज करना है, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, बुक्स और लाइव क्लासेस और द बैच, महापैक, कुछ भी, यूज दिस कूपन कोड Y455 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सेशन और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सो आई नो यू ऑल आर रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वन द बहरीन ISA अवार्ड फॉर द सर्विस टू ह्यूमैनिटी। सो मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार किसने जीता है? आप सभी को पता है डॉक्टर संदुक रूट हैं जिन्होंने यहाँ पर बहरीन का ISA अवार्ड फॉर द सर्विस टू ह्यूमैनिटी यहाँ पर जीता है। ये देखिए, ये वो पर्सन है जिन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है, राइट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी साइंड एन MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सेटिंग द एनुअल परफॉर्मेंस टारगेट फॉर द ईयर 2022-23। किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन सी कंपनी है गाइस? वो आपकी इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसे हम प्यार से IREDA बोलते हैं। इन्होंने यहाँ पर, इस कंपनी ने साइन किया है MOU, राइट। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए, जो आपकी इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, तो यहाँ पर बेसिकली ये फाउंड कब हुई थी, 1987 में, राइट। और ये एक तरीके की ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो रन करती है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर एवरीवन? चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। सो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी को पता है हमारी प्रवीण शर्मा है, इनको यहाँ पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का डायरेक्टर यहाँ पे नियुक्त कर दिया है। सो ही इज प्रवीण शर्मा गाइस, प्रवीण शर्मा, राइट। सो इनका नाम क्या है, प्रवीण शर्मा, राइट। सो प्रवीण शर्मा को यहाँ पर क्या बनाया गया है, बना दिया गया है। सो ही इज प्रवीण शर्मा, क्लियर एवरीवन? सो प्रवीण शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, ये फाउंड कब हुआ था, 2018 में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी फाउंड हुई थी, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, सब्सिडी इसकी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन has ranked number 2 globally on the brand guardianship index 2023. So brand guardianship index 2023 में किस भारतीय को विश्व स्तर पर नंबर 2 पर रखा गया है? तो आप सभी को पता है मुकेश अंबानी इज द हेड ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो इनको यहां पर सेकंड रैंक पर यहां पर रखा गया है। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When will be the first Global Tourism Investor Summit to be held under the G20 Presidency of India? भारत की G20 Presidency के तहत पहला Global
आपका जो टूरिज्म इन्वेस्टमेंट समिट है, सॉरी इन्वेस्टर समिट है, ये कब आयोजित यहाँ पे किया जा रहा है? भारत का G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहला ग्लोबल आपका जो इन्वेस्टर समिट है, टूरिज्म इन्वेस्टर समिट, ये कब आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बेटा 10 to 12 अप्रैल 2023। थोड़ा सा हम G20 के बारे में देखेंगे बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। G20 की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ 20, इसको हम ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जानते हैं, ये एक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 90 कंट्री है और यहाँ पे एक आपका यूरोपियन यूनियन है। ठीक है एवरीवन, राइट। तो ये फाउंडर पहले ग्रुप ऑफ 7 था, अभी G20। फाउंड कब हुआ था? 26 सितंबर 1999 को ये फाउंड हुआ था। एंड हु इज द चेयरपर्सन? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेजेंट में G20 के चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडिया बॉर्न ब्रिटिश मैन हु वन द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंडन अवार्ड? भारत में जन्मे किस ब्रिटिश व्यक्ति ने लंदन शहर की स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम क्या है? मनीष तिवारी। तो मनीष तिवारी ने यहाँ पे, जो कि इंडियन बॉर्न है, ब्रिटिश मैन है, इन्होंने जीत लिया है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। क्लियर एवरीवन? मनीष तिवारी, देखिए ये हमारे हैं मनीष तिवारी जी। अरे 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 अरे, देखो ये हमारे मनीष तिवारी हैं जिन्होंने इसको यहाँ पर ये अवार्ड जीता है। ही इज दी पर्सन। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी विल लॉन्च द IPTV सर्विसेज ओवर द रेल वायर फ्रॉम 26 जनवरी 2023? कौन सी कंपनी 26 जनवरी 2023 से रेल वायर पर अपना IPTV सेवाएं यहाँ पर शुरू करने वाली है? As you all know, Railtel is that company. Answer here will be Railtel. अगर हम बात करते हैं Railtel की, तो Railtel का हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में है। फाउंड हुआ था September 2000 में, राइट? और यहाँ पे बेसिकली 730 एम्प्लॉयज काम करते हैं। ओनर आपकी इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हमारी जो रेलवे, रेल सरकार, इंडियन रेलवेज है, वो यहाँ पे भारतीय रेलवेज है, वो यहाँ की ओनर है, राइट? अच्छा, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संजय कुमार यहाँ पे चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है रेलटेल के। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो भारत का पहला रसद, जलमार्ग और संचार स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया है? त्रिपुरा। आंसर है विल बी त्रिपुरा। त्रिपुरा में इसको शुरू किया गया है। सो फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन विच हैज स्टार्टेड इन दिस स्टेज, दैट इज त्रिपुरा। बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, राइट? सो मे बी शायद वॉइस आपको आ रही हो, बट स्टिल डोंट माइंड इट, राइट? चलिए, त्रिपुरा की अगर बात करते हैं, तो ये जो आपका ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो आपका ये जो ईस्ट वाला पोर्शन है, ईस्ट वाला, यहाँ पर आपका त्रिपुरा लाई करता है। आप देख पा रहे होंगे वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट त्रिपुरा, या बहुत सारे हैं यहाँ पे आपके, ख्वाल है आपका, ऊनागौड़ है, नॉर्थ त्रिपुरा है, राइट? इस तरीके से है। तो बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पर, तो फाउंड कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को हमारा त्रिपुरा फाउंड हुआ था। कैपिटल अगरतला है। चीफ मिनिस्टर आपके यहाँ पे कौन है? मानिक साहा। गवर्नर कौन है? कमेंट करके आप बताइए, हु इज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। लैंग्वेजेस यहाँ पे कौन कौन सी है? बंगाली, कोरबोरेक और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर यूज होती है, राइट एवरीवन? चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वेदांता केयर्न ऑयल एंड गैस? तो वेदांता के केयर्न ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख, नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर यहाँ पे निक वॉकर होगा। निक वॉकर को यहाँ पे, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द वेदांता केयर्न ऑयल एंड गैस। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने आदित्य मेहता को 9-6 से हरा कर यहाँ पर बॉकिटलीन NSCI ऑल इंडिया स्नूअर स्नूकर ओपन 2023 यहाँ पर इसका फाइनल जो है जीत लिया है? सो हु हैज वन द फाइनल ऑफ बॉकिटलीन NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन 2023 बाय डिफीटिंग आदित्य मेहता विद 9-6? सो बुके बोल सकते हैं, बुकिटलाइन, राइट? बुके बोल सकते हैं, बुकिटलाइन। NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन 2023 बाय डिफीटिंग द आदित्य मेहता विद 9-6। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम इसको बोले तो ये इसका BOQQET होता है आपका, बुके लाइन होता है, ठीक है? बुके लाइन इसकी प्रोनाउंसिएशन है सही। तो इसका आंसर यहाँ पे लक्ष्मण रावत होगा एवरीवन। सो यहाँ पे जो लक्ष्मण रावत है, इन्होंने 9-6 से हराकर बुके लाइन NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन 2023 यहाँ का फाइनल जो है गाइज यहाँ पर जीत गया। क्लियर एवरीवन? आई होप दिस इज फाइन टू यू।
So guys, we have finished our MCQ session of today. So guys, Adda 24/7 का app है, यहाँ पर आप download कर लेना इसे, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा. साथ ही साथ यहाँ पर आपकी समर्थ बैच, समर्थ प्लस बैच लॉन्च हो चुकी है यूजी के लिए, दक्ष बैच पीजी के लिए. If you have not enrolled in these batches, you can go and enroll. Use code Y455 to get the maximum discount on these batches, ebooks or test series, right? तो अपनी preparation को और अच्छा करने के लिए you can have these batches with you. साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन हैव द गूगल फॉर्म. इसी सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म आप सभी भर ले और हम आपको डायरेक्टली यहां पर कॉन्टैक्ट करेंगे. तो सेशन को फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि जरूर कि आपको सेशन कैसा लगा. राइट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, लव यू ऑल. मिलते हैं कब मिलेंगे, हम मिलेंगे कल सुबह. हम मिलते हैं कल सुबह अपने नए दिन के करंट अफेयर सेशन के साथ. सुबह 7:30 बजे आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है लाइव एट करंट अफेयर्स एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज सेशन, जिसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर करते हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम. राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, जय हिंद.